अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दानिश, प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। अब एक स्टेटमेंट मैं आज इस पर एक वीलॉग करना चाह रहा हूँ और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो स्टेटमेंट एक तरफ मायूसी का इजहार कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो कुछ हकाइक सामने बयान कर रही है जिसको हम ऑलरेडी अपने वीलॉग के जरिए देते रहे हैं। और वो स्टेटमेंट है शेख रशीद साहब की, जो एक अपने आप को माने हुए सियासतदान कहते हैं और दावा भी करते हैं कि उन्होंने कई इलेक्शन जीता है, और उसके अलावा वो दावा करते हैं कि उनको वो कई वजारतों में रहे हैं और हुकूमत का उनको बहुत वो है। ये वही शेख रशीद साहब थे जिन्होंने अब ये स्टेटमेंट दी है कि वो सियासत से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, हालांकि बड़े चाकू चौबंद हैं, आज भी सियासी तौर पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आज भी उनको जब वजारत से हटाने की बात की जाती है तो आग बगोला हो जाते हैं और ये धमकी भी इंटरनली देते हैं कि अगर मुझे इमरान खान साहब ने वजारत से अलग की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो ये चंद बातें हैं जो उनके ज़रिए, तो क्या वजूहत है कि वो साहब जो है वो, और जो ये दावा भी कर रहे हैं कि आइंदा 5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। चंद दिनों पहले यही बातें कर रहे थे ना वो, और वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब मुस्लिम उम्मा के जो है वो लीडर हैं। आज इतने मायूस क्या हैं? क्या इमरान खान साहब से उनकी कोई नाराज़गी हो गई है, या उनको पता चल गया है कि इमरान खान साहब की जो है वो छुट्टी होने वाली है, या वो समझते हैं कि इमरान खान साहब अब उनको जो हमेशा नापसंद करते थे क्योंकि गेट नंबर 4 की मुलाजमत अब ख़तरे में पड़ गई है तो इमरान खान साहब इनको किसी वक्त फारिग कर दें, तो पहले से ये वो आवाम में ये इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि मैं तो अब सियासत से रिटायरमेंट चाह रहा हूँ। ये वही शेख रशीद साहब थे जो PMLN के इख्तदार के लिए, PMLN के जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी पप्पियां लेते थे। पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह ये पप्पी लेते थे, किस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये तारीफ़ें करते थे मीडिया में, और किस तरीके से चले इनका हक था, राइट था, ये उस पार्टी का टिकट लेने के लिए और उस पार्टी की वजारत लेने के लिए ये तरीक़ेकार उनको वो समझते थे बेहतर था, उन्होंने वो तरीक़ेकार इख्तियार किया। इसमें हम कोई कुछ कहने वाले नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बता दें कि इख्तदार की मोहब्बत शेख रशीद साहब के दिल में उसी उस वक्त तक रहती है जब तक वो इस दुनिया से कूच नहीं कर जाते। ये मैं नहीं कह रहा, उनके करीबी लोग कहते हैं कि शेख रशीद साहब, मैंने भी उनके बड़े प्रोग्राम्स किए, मुझे पता है कि प्रोग्राम से पहले उनका क्या स्टेटमेंट होता है, और वो हुकूमत और इख्तदार की हविस में पागल हो जाते हैं वो शेख रशीद साहब। तो वो शख्स रिटायरमेंट की बात कर रहा है, अभी माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी अभी तो बहुत जलथल है, बहुत एक्टिव है, तो क्या वजूहत है कि वो कर रहे हैं? और इख्तदार के लिए उन्होंने पहले, मैंने कहा ना, पप्पियां तक ली और बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए। इधर आ जाइए, इसी इमरान खान साहब को जिसको इन्होंने मीडिया में, जिसकी शख्सियत, जिसकी पार्टी को तांगा पार्टी, दो टके की पार्टी, दो टके का इमरान खान साहब, और पता नहीं क्या कुछ कहा था, लेकिन जब हर जगह से दरवाजे बंद हो गए और इमरान खान साहब की जो है वो जगह नज़र आई, और ये नज़र आया कि इस्टेब्लिशमेंट इनको ला रही है, इनको खबर हो जाती थी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। और एक ज़माने में तो पहले चले इस्टेब्लिशमेंट के ये आदमी थे, अब तो इन्होंने बाज़ाब्ता मुलाजमत इख्तियार कर ली इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि हर तरह से दरवाज़ा ख़त्म तो इस्टेब्लिशमेंट, तो उस बुनियाद पर इनके लिए इख्तदार में आने के लिए एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट थी, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तारीफ थी। तो जो जो बातें उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कही थी, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, पार्टी के खिलाफ दिया था, फिर वही सब कुछ पलट गया। इमरान खान साहब ही नहीं यू टर्न लेते हैं, इमरान खान साहब ही नहीं पलटे हैं, बल्कि आप शेख रशीद साहब भी इस मामले में बहुत आगे हैं। बहरहाल, तो कहने का मतलब यह है कि आज इमरान खान साहब मुस्लिम उम्मा के लीडर भी बन गए, आज इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो अजीम हुकूमत हो गई, आइंदा भी 5 साल लेने की बात की, चंद हफ्तों की पहले की बात बता रहा हूँ। और आज जो है वो शेख रशीद साहब मायूस हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो शख्स जो लोगों का, जो उनके करीब तरीन लोग हैं, वो ये कहते हैं कि शेख रशीद साहब सियासत और हुकूमत इन दोनों को सिर्फ एक ही सूरत में छोड़ सकते हैं, जब वो इस दुनिया को छोड़ दें, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। तो ये स्टेटमेंट फिर क्यों है? तो इस स्टेटमेंट की दो वजूहात सामने नज़र आती है, एक तो ये कि क्या इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया है कि शेख रशीद साहब को अब जो गेट नंबर 4 के मुलाजिम थे वो मुलाजमत से निकाल रहे हैं, क्योंकि मुलाजमत में तो उसी को रखा जाता है ना जिसके पास कुछ लोग हों। शेख रशीद साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे जो उन्होंने जुल्म किया
उस बुनियाद पे और पीटीआई की हुकूमत में साथ रहकर जो जो मुल्क की तबाही हुई है उसकी बुनियाद पे उस इलाके के लोगों ने और कश्मीर इश्यूज के ऊपर वहाँ के लोगों ने अब उठाकर उनको डस्टबिन में फेंक दिया, वो अलग बात है क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है, ताकत है, अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, लोग भी होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो उनको सपोर्ट करती थी उस इलाके में तहरीक लब्बैक के ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत बड़ी तादाद थी, कश्मीर इशूज़ पर बहुत बड़ी तादाद थी और इवन PMLN के अगेंस्ट इनको सपोर्ट किया जाता था। और फिर जाहिर है कि इस हवाले से आपके गेट नंबर 4 के हवाले से भी सपोर्ट मिलती थी, तो ये वो फैक्टर थे जिसके ऊपर मकबूल थे और गेट नंबर 4 इनको मुलाजमत देने को राजी था। लेकिन आज तो ये सारे फैक्टर्स उनसे बाहर, कश्मीर बाहर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाहर, PTI की जो 3 साल कारकर्दगी है, बहुत सारे लोग वहाँ पर नाला हो गए इनसे कि आपने एक ऐसी जमात को ज्वाइन किया है और तबाही तबाही है, तो वो फैक्टर सारा का सारा इनको छोड़ चुका है। तो अब गेट नंबर 4 तो उन्हीं को सपोर्ट करता है कि जिनके पास अवामी ताकत होती है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, किसी ने गेट नंबर 4 से ये कहा कि आप इस लीडर को सपोर्ट करें, तो उन्होंने ये कहा कि ये लीडर पहले अपनी सपोर्ट तो करें, मसलन कि पहले वो ये दिखाए कि कुछ लोग उसके साथ हैं या नहीं है, अगर हैं तो फिर सपोर्ट किया जाएगा। तो आज शेख रशीद साहब की ये हालत है कि उनके साथ लोग नहीं हैं, बहुत सख्त उनकी है, लेकिन क्योंकि हुकूमत में है और इस वजह से शायद वो रिएक्शन अभी उनको नहीं मिल रहा है और बड़े महदूद तरीके से वो लोगों में जा रहे हैं, उस तरीके से नहीं जो खुले टुले चले जाते थे और जाके जो है वो नहारी खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, अब वो सूरत हाल नहीं है, याद रखिएगा। आइए दूसरी तरफ, क्या इमरान खान साहब ने अब इनको जो है वो फारिग करने का प्रोग्राम कर दिया है कि नहीं भाई अब आप जाओ, अब हम आपको हटा रहे हैं, आपकी कोई डिलीवरी नहीं है, आपने कोई काम नहीं किया है, हम और आपकी मौजूदगी से, आपके आने से बहुत सारे PTI के लोग नाराज़ हैं, तो वो आप समझ रहे हैं कि जी गेट नंबर 4 भी इनको धुतकार रहा है तो हम भी अब इनको फारिग करें, तो इसलिए वो पहले से ग्राउंड बना रहे हैं कि कल एक ऐलान हो जाए कि जनाब शेख रशीद साहब मिनिस्टर नहीं रहे, तो फिर शेख रशीद साहब ये कह सकें कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ और इन्होंने मिनिस्ट्री से हटाया, मैं तो सियासत छोड़ रहा हूँ। तो या ये बात है, या तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनको अंदरून खाना ये अंदाजा हो चुका है कि PTI की जो हुकूमत है अब ये उसकी आखिरी हुकूमत है और आखिरी साल चल रहा है, अब PTI की हुकूमत पाकिस्तान में कभी नहीं आएगी, कोई और पार्टी शेख रशीद को लेने को तैयार ही नहीं है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे ANP हो, चाहे वो कोई और जमात हो, कोई उनको लेने को तैयार नहीं है। इसी तरह और भी लोग हैं जो PTI में गए हैं लोटे, उनको भी लेने को तैयार नहीं है, तो शेख रशीद साहब को। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि शेख रशीद साहब ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और उनकी अब कहाँ कंडीशंस है और अवामी उनके साथ कितनी लोग हैं, तो वो मुलाजमत भी ख़त्म हो रही है। तो सवाल यह है कि PTI की हुकूमत का वो खात्मा देख रहे हैं और उनको ये नज़र आ रहा है कि PTI की जो हुकूमत है वो ये पहली और आखिरी हुकूमत है और इनका आखिरी साल है और इसके बाद इनको कोई ला नहीं सकेगा, जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। हालांकि बड़ी कोशिश की जा रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट शामिल किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शामिल किया जाए, जो इस्लाहात एक तरफा PTI ने किया है उसको किया जाए, और इसके सिलसिले में बाबर अवान साहब की स्टेटमेंट है कि हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये सब चीज़ क्या है, ये वो तरीक़ेकार है कि जिससे इलेक्शन को जीता जा सके दोबारा PTI की हुकूमत को, लेकिन उनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि ना तो इलेक्शन कमीशन इस पर राज़ी होगा, ना अपोजिशन राज़ी होगी, ना अवाम राज़ी होगी। और एहसन इकबाल साहब का यहाँ जुमला मैं ज़रूर कोट करना चाहता हूँ कि बहुत हो गया इलेक्शन को, बहुत चोरी किया गया, बड़े बड़े इलेक्शन चोरी किए गए, लेकिन आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है, जो कहा यह जा रहा है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन है, अगर इसे चोरी करने की कोशिश की गई तो फिर ये एक खाना जंगी होगी इस मुल्क में। उन्होंने वाज़े तौर पे, और यही अल्फाज मौलाना फजल रहमान के हैं, और यही अल्फाज मियां नवाज शरीफ के हैं, यही अल्फाज आपके पार्टी के दूसरे लोगों के, मरियम नवाज़ साहिबा के हैं, और जो 9 सियासी जमातें हैं उनकी, तो जाहिर है ये बड़ी सियासी जमात है, इनका अवाम में बहुत, आज ये ऐलान कर दें निकलो बाहर तो बहुत बड़ी तादाद निकल जाएगी, सिर्फ मौलाना फजल रहमान ही अपने कारकुनों को कह दें कि भाई निकलो बाहर,
तो कौन उनका मुकाबला करेगा, कौन उनको मारेगा, कौन उनको गिरफ्तार करेगा, कौन उन पर गोली चलाएगा। उनके लोग बहुत कमिटेड लोग हैं। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया तो आज तो पंजाब उबल रहा है उनके लिए, पंजाब से नफरतें निकल रही हैं, पंजाब से गुस्सा निकल रहा है। और इस तरह इसी तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान है, उसकी साथ जो सलूक हुआ है तो लोग और अवाम तो वैसे ही पिसे में मर रहे हैं। तो अगर सिर्फ लीडरशिप इशारा कर दे तो ब्लास्ट हो जाएगा, और ये ब्लास्ट जो है वो जो भी ये जो जो इलेक्शन चोरी करने का प्रोग्राम बना रहा है, जो भी करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ यकीनन एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हो जाएगी और वाकई मुल्क में खाना जंगी के असरात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये बर्दाश्त करने को अब तैयार नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से और असलाहत एक तरफा और ओवरसीज़ का तरीक़ाकार करके ज़बरदस्ती ठोस कर इलेक्शन कराया जाए और इनको दोबारा जिताया जाए। मार्केट ग्राउंड रियलिटीज ये बता रही है कि पीटीआई को 15 से 18 सीटें भी पूरे पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर उसी तरीके से जो आज़ाद कश्मीर में किया गया ये नहीं हो सकता। इसका इशारा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और सब दे चुके हैं। अगर किसी तरह किसी पार्टी को राज़ी भी कर लिया जाए तब भी वो इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो आ जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि वो जो है वो दोबारा इमरान खान साहब को हुकूमत दी जाए। और एक बात याद रखें कि इस हुकूमत में इमरान खान साहब का रवैया ये है कि जो इंतकामी कार्रवाई आप देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उनकी सख्त तरीन जो इंतकाम देख रहे हैं, जब वो अगला 5 साल उनको दे दिया जाएगा इसी तरीके से बहुत बड़ी धांधली करके, तो फिर उसके बाद उनको पता है कि दोबारा उनको अब उनकी हुकूमत मिलनी नहीं है। उस वक्त उनको ये पता है, वो तो आज भी कह रहे हैं कि 10 साल का था, तो फिर वो उनको पता है कि वो चाहे ज़मीन खोदें, चाहे आसमान खोदें, चाहे किसी को बंद करें, चाहे बदतरीन डिक्टेटरशिप करें, बदतरीन मीडिया को बंद कर दें, बदतरीन लोगों के साथ जो है जुल्म करें, लोगों को मार दें, उनको दोबारा हुकूमत में आना नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए पीपल्स पार्टी कभी भी उनको दोबारा यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को किसी जरूरत में सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो चाहती है कि पार्लियामेंट में आने के बाद जल्द से जल्द जो है वो अगर अपोजिशन सपोर्ट करे तो दोनों हुकूमतों का खात्मा किया जाए, मरकज में भी और पंजाब में भी। लेकिन भारत पीएमएलएन कहती है कि पहले आप सेनेट में कर लें, आपकी तो वहाँ अक्सरियत है, पंजाब में तो आपकी 7 सीट है। भारत पीपल्स पार्टी भी इजाज़त नहीं देगी। तो गोया शेख रशीद साहब जो गेट नंबर 7 के मुलाजिम हैं उनको ये पता चल चुका है, और वो क्योंकि गेट नंबर 4 के मुलाजिम हैं तो अंदर से उनको सूरत हाल पता चल रही है कि अब ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से अमल करते हुए इनको इतने ख़तरनाक माहौल में जहां आवाम जो है इस किस्म की चोरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, ना अपोजिशन करेगी, और अपोजिशन के पास बहुत बड़ी अवामी ताकत है, एक कॉल अगर अपोजिशन ने दे दिया तो इस मुल्क में वाकई ऐसा इकबाल जो कह रहे हैं खाना जंगी हो जाएगी, और फिर खाना जंगी हुई तो फिर जो जो लोग इसमें लपेटे जाएंगे वो समझ सकते हैं कौन कौन लोग हो सकते हैं। तो इसीलिए शेख रशीद साहब बहुत पहले कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मैं ले लूँगा, और इनका कुछ नहीं पता अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दिला दिया कि नहीं कि जो 2018 का इलेक्शन पीटीआई 2000 जो नेक्स्ट कबल अज़ वक्त इलेक्शन आ रहा है वो भी पीटीआई जीतेगी, तो आप देखिएगा उनका बयान होगा, मैं तो सियासी बयान दे रहा था, लेकिन अभी वाकई उनका बयान सही है, क्योंकि अंदरून खाना उन्हें पता चल चुका है कि पीटीआई की ये वाहिद और आखिरी हुकूमत है और आखिरी साल। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।